क्या आप लोगों को भी इसकी प्रॉब्लम है ये बर्थ मार्क की ये स्कार्स की ये पॉपअप की ये स्किन पॉपअप की पिम्पल पॉपअप की जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो कि हमें लगता है बस अब तो ये परमानेंट है इनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोज आपको देखने के लिए मिलते रहें दोस्तों कल मैंने अपने चैनल चैनल का जो एनालिटिक होता है उसको ऐसी बैठी हुई थी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा एक बार एनालिटिक देखा जाए तो मैंने वहां पर देखा कि किसेंट लोग आए हैं नए व्यूवर्स जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा मेरे वीडियोज देखे लेकिन वो सब्सक्राइब करना ही भूल गए वीडियो देख के चले गए लाइक like भी कर गए लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए तो भाई मैं बोल दूं कि सब्सक्राइब का जो बटन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है अगर आप आए हैं वीडियो देखने के लिए तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं बेल आइकॉन दबा देते हैं ऑल वाले के ऊपर पर्सनलाइज वाला नहीं ऑल वाला तो आपको मेरे वीडियो अपने आप ही मिल जाएंगे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा तो आप वंचित नहीं रहेंगे इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने से तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकॉन दबा देना लेकिन आज की रेमेडी क्यों स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये होने वाली है पॉपअप के ऊपर जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं आपने देखा होगा बहुत लोग की स्किन बहुत रफ लगती है क्योंकि पिंपल जब आके जाते हैं और अगर हम उनको पॉपअप कर देते हैं पीछ देते हैं ठीक है तो वो अपना निशान छोड़ के जाते हैं आपको पनिशमेंट देके जाते हैं कि तुमने मुझे दबाया लो मैं तुमको निशान देके जा रहा हूं तो वो जो निशान होते हैं उसको हम लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हैं आज की रेमेडी उसी के लिए है तो रेमेडी को पूरा देखेगा स्किप मत करेगा तीन स्टेप्स के ऊपर बनाए और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोग की स्किन के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी स्किन के रिलेटेड होती है जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो कर देती है इनकेस मान लो हम कहीं से पास आउन कर रहे हैं और कोई हंस गया तो हमें लगेगा हमारी स्किन के ऊपर ही हंस रहा है हमें देख के ही हंस रहा है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो कर देता है तो क्यों ना हम इस चीज़ को फिक्स कर दें हम इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दें देखते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टेप से हमें करना है क्लीनजिंग क्लिनजिंग क्यों क्योंकि हमें अपने फेस के ऊपर कोई भी डेपोजिशन नहीं चाहिए ताकि जो भी नेक्स्ट हमारे इन्ग्रीडियंट हमारे फेस पे आने वाले हैं वो अच्छी तरह से हमारी स्किन में पैनी करें ठीक है इसके लिए हमें लेनी है थोड़ी सी मलाई जो रेगुलर हमारे दूध पे ऊपर जम जाती है बस उसी में से थोड़ी सी मलाई कटोरी में निकाल लीजिए और उसको पहले हाथ पे ले लीजिए और बढ़िया से अपने फेस पेस को लगा के मसाज करना शुरू करिए पाँच मिनट की मसाज करिए बढ़िया से गर्दन पर फेस पे और इसके बाद में इसका जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा पाँच मिनट की मसाज के बाद देखिए मैंने इसको टिश्यू पेपर से हटाया मुझे जो दिखा फेस के ऊपर अरे वाह मैं फेस जबकि वॉश करके बैठी थी उसके बाद में मैंने गीले टॉवल से इसको पोंछ लिया है कुछ और फेस पे नहीं लगाया है क्लिनर आता है इनमें क्या पाया जाता है कभी भी आप खरीदने जाएँ तो आप नोटिस करिए कि उसमें पीछे क्या लिखा होता है कंपनी वालों ने उसके पीछे लिखा होता है लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिड हमारी स्किन को ब्राइटन करने का काम करता है डीप क्लीन करता है अब अगर हम मार्केट में खरीदते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो अच्छा ही होगा लेकिन अगर हम हमारी किचन की तरफ एक बार झांक लें वहीं पे हमें हमारा बेस्ट वाला क्लिनजर मिल जाता है मलाई में क्योंकि जो चिकनापन होता है वो हमारी स्किन को ब्राइटन करता है हमारी स्किन को एक सॉफ्ट नमी सा प्रदान करता है कि हमारी स्किन के ऊपर इलासिटी बरकरार रहती है अगर हमारी स्किन ड्राई होगी तो उसके ऊपर फाइन लाइन्स बहुत आएंगी क्योंकि वो खींचेगा बहुत ज़्यादा ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करता है अगर आप अपनी स्किन को रफ रखते हैं तो देखिए मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं तो वॉश करके बैठी हूँ लेकिन जब मैंने इसको वाइप ऑफ किया आपने टिश्यू पेपर से पोछा उसके बाद में मैंने दिखाया है कि उसके ऊपर कितना सारा डर्ट पॉल्यूशन था डेपोजिशन होता है हमारी स्किन में जो नज़र नहीं आता है तो आप भी जब अपनी स्किन पे करेंगे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या देखिए इस स्टेप को करने के बाद में जब आप इसको पोछ लेंगे इसके बाद में ही आपको अपना स्किन इतना स्मूथ इतना शाइनिंग लगेगा कि आप मेरे चैनल पे वापस आएंगे और मेरे बाकी के वीडियो को भी देखना शुरू कर देंगे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे कि बोलेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा वीडियो बता रही है तो चैनल को सब्सक्राइब मुझे पता आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे लाइक अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ जो कि है स्क्रबिंग स्क्रबिंग के लिए मैंने क्या किया मैंने लिया हुआ है चावल का आटा मसूर दाल का पाउडर इन दोनों को मैंने एक्चुअली पीसवा के भी रखा हुआ है घर पे और मार्केट में भी अवेलेबल हैं आप ऑनलाइन इनको परचेज कर सकते हैं अगर आपको घर पे नहीं बनाना है नहीं तो घर पे बहुत इजीली बनता है चावल और मसूर दाल में प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने की ग्लोइंग करने की और साथ में हमारी स्किन के ऊपर एक, एक एक्स्ट्रा पॉलिशिंग का काम करने की अब इसके साथ तो कॉफ़ी आपको लेनी है आधी चम्मच जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में ये तीनों चीज़ें तो ड्राई हैं ठीक है थीके? तो हमें क्या करना है हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा चाहिए जो कि इनको बाइंड कर सके और हमारी स्किन के ऊपर हम इसको लगा के इवनली मसाज कर सकें तो उसके लिए मैंने लिया है दही दही में होता है लैक्टिक एसिड अगेन और साथ में ये मॉइस्चराइज भी देगा मॉइस्चराइज ऑलरेडी हमारी स्किन हो चुकी है लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा और मिल जाएगा तो इन तीनों चीज़ों चारों चीजों को मिक्स करना है आपने और अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करनी है हार्श मसाज नहीं करनी है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा वो रेडनेस आ जाएगी तो आपको तीन से चार मिनट की एक बढ़िया वाली मसाज देनी है अपने फेस के ऊपर जो नोज़ के आसपास का एरिया होता है जो ये साइड्स का एरिया होता है वहां पर आपको जरूर करना है जहां पर आपको लगता है कि आपको रफनेस है जैसे कि ये वाला लिप्स के आसपास का एरिया होता है नोज के आसपास का एरिया होता है फॉरेड होता है साइड्स के कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर आपको स्क्रबिंग करते वक्त ज़्यादा ध्यान देना है ना कि चीक्स के ऊपर बहुत लोगों की चीक्स के ऊपर भी रफनेस होती है तो आप कर सकते हैं वहाँ पर भी लेकिन मेन पार्ट जो होता है हमारी नोज का एरिया हमारे फॉरेड हमारे लिप्स तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से स्क्रब करना है ताकि जितने भी वाइटर ब्लैकेट हैं रफनेस है वो सारी की सारी निकल जाए अब ये सेकंड स्टेप के बाद ही आप बोलेंगे वाओ अब तो हमें आगे जाना ही नहीं है यार यहीं पे हमें इतना बढ़िया वाला ग्लो मिल गया मुझे पता है क्योंकि करने के बाद मुझे जो आया था ना ग्लो ओ हो मतलब मुझे था कि सेकंड uh, स्टेप पे थर्ड स्टेप पे जाया जाए कि नहीं जाया जाए लेकिन क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाना था और ऑलरेडी मैं पहले इस पर बनाई थी लेकिन जो पहले रिजल्ट आया था और जो मुझे अब रिजल्ट आया वो तो अलग ही था नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट था मतलब मैं मेरी स्किन देख रही थी बार बार वाओ यार इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे आ गया अब या तो ये है कि मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है आप अपनी स्किन पे करिएगा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है इसके बाद में आप इसको वाइप ऑफ कर लीजिए वॉश कर लीजिए मतलब आपको पोछना है कैसे भी आप पोछ लीजिए इसको उसके बाद वापस से आके सेटल डाउन हो जाइए कुछ फेस पे नहीं लगाना है साबुन यूज़ नहीं करना है ऐसे ही बैठिए थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो हमारे स्कार्स को फेड आउट करेगा जो हमारे गड्ढे हैं उनको फिक्स करेगा जो टिनी बम्स आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर उसको भी वो फिक्स करेगा बस आपको करना कैसे है उसके ऊपर ध्यान देना है और रेगुलर रहना है और आप उस स्टेप के बाद में अपनी स्किन को देखेंगे तो आप सरप्राइज रह जाएंगे कि वाओ स्टेप नंबर थ्री में अब हम तैयार करेंगे हमारे फेस के लिए एक ऐसा पैक एक ऐसा फेस मास्क जो कि रामबाण का उपाय करेगा मतलब हमारी स्किन के ऊपर कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो एक तिर मारेगा और हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स उससे खत्म हो जाएंगी इतना बढ़िया वाला वो रिजल्ट देने वाला मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है इसमें दही घर का जमा हुआ दही हो थोड़ा गाढ़ा हो तो अच्छा है दो चम्मच ले लीजिए अब इसमें आपको डालनी है चुटकी भर कस्तूरी हल्दी तीसरा इंग्रेडिएंट आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे देख के वो है नटमक मतलब कि जायफल उसके बाद में हमें लेना है मेथी दाना ये जो मेथी हम खाते हैं उसी को लेना है अगर आप रात को इसको भिगो लेते हैं और सुबह उसको पीस लेते हैं तो बहुत अच्छा है अगर नहीं तो आप इस तरह से किसी भी पेपर पे कपड़े पे रख के इसको अच्छे से कूट लीजिए और उसको पाउडर फॉर्म में लेना है अगर थोड़ा सा दरदरा रह जाएगा तो भी चलेगा लेकिन इसको हल्का सा कूट लीजिए ताकि इसका हल्का सा हमें पाउडर मिल सके जैसे कि मैंने ये ले लिया है अब इसमें मैं आपको बताती हूँ हमने जो नटमग डाला है मतलब कि जायफल जो कि आता है स्पाइसीज में स्किन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है ये हमारे स्किन को रिपेयर करता है हमें इस पैक को बना के दस मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसके जो इन्ग्रीडियंट हैं वो फूल जाए और उनका पूरा बेनिफिट हमें मिल पाए तो दस मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं अब इसको आपको अपने फेस के ऊपर बढ़िया से अप्लाई करना है चाहे आप ब्रश से करिए चाहे आप हाथ से करिए मैंने मेरे हाथों से किया क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है फैंगविंग के मतलब मेथी दाना के वो नीचे गिर रहे थे तो मैंने अपने हाथों से ही अप्लाई किया क्योंकि मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है हाथों से लगाना क्योंकि हमें मालूम रहता है कहाँ पर लगाना है कहाँ नहीं और जब आप इसको लगा रहे हैं अपने उस क्लीन फेस के ऊपर आपको उसका रिज़ल्ट हाथों हाथ दिख रहेगा जब आप इसको लगा रहे हैं आपको खुद उसका फीलिंग आएगा कि कितना स्मूथ आपका फेस हो गया है ये इलासिटी को बरकरार करेगा आपकी स्किन की ए टू जेड प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा इसको आपको अच्छे से मसाज करना है पांच मिनट के लिए ज़्यादा नहीं पांच मिनट की मसाज के लिए ताकि वो अच्छे से पैनिट्रेट कर जाए आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चले जाए जिससे उसके के जो गुण है जो उसके बेनिफिट हैं हमारी स्किन को ले सके हमने अपनी स्किन को बहुत डीप तक क्लीन किया फिर हमने उसके ऊपर जितने भी वाइट एंड ब्लैकेट थे उनको हटाया सेकेंड स्टेप में तो अब हमारा फेस एकदम क्लीन है इन जो भी हम प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो प्योर वाला रिजल्ट आएगा आप जब आप इसको हटा रहे हैं तो आप सरप्राइज रह जाएंगे कि ये क्या रिजल्ट मुझे मिला मतलब आप आप आएंगे और मुझे उसी वक्त लिखना शुरू करेंगे थैंक यू रेखा कि तुमने इतना बढ़िया वाला मुझे रेमेडी बताया मतलब आप सरप्राइज़ रह जाएंगे आप शॉक रह जाएंगे अपनी स्किन को देख के अब इसके बाद आपको इसके ऊपर लगाना है या तो रोज़ वाटर आप स्प्रे कर लीजिए लेकिन क्योंकि मेरे पास मेरा एक क्रीम बना के रखा हुआ है मैंने यहाँ पे जो मैं लगा रही हूँ ये मेरा होम मेड क्रीम है तो मैं इसी को हमेशा लगाती हूँ अपने फेस के ऊपर कोई भी रेमेडी अप्लाई करने के बाद में आप उसको लगा लीजिए और उसके बाद आप सो जाइए अच्छा होगा अगर इस रेमेडी को आप रात को सोने के पहले करते हैं क्योंकि पूरी रात वो हमारी स्किन के ऊपर जो मैजिक पैदा करेगी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको दिखेगा अच्छा यहां पर अब मैं कुछ के आंसर आपको दे देती हूं जिस तरह से माइंड में आता है कि हमें कितनी बार करना चाहिए इस पैक को देखिए जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इस पैक को दो बार वीक में कर सकते हैं ठीक है जिनके ऑयली स्किन है वो एक बार करें क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दही यूज किया है ठीक है तो ये हो गया दूसरा है दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मेथी दाना तो आप सर में लगाए थे तो सर में लगाए थे तो मेथी दाना का काम क्या होता है वो जो हमारे जो सर के स्कैल्प को होता है उसको वो टाइटन करने का काम करता है और सेम हम हमारी स्किन के लिए कर रहे हैं ये हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करने का काम करेगा जिससे कि वो जो पोर्स हैं जो गड्ढे हैं वो भरने के लिए रेडी होंगे इसको पंद्रह दिन तक जब आप कंटिन्यू कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी स्किन के बारे में पता चलेगा कि ये आपकी स्किन के ऊपर कैसे रिएक्शन दे रही है कितना रिजल्ट दे रही है ये आपको खुद से पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिक्स कर सकते हैं मतलब आपको वीक में एक बार करना है आपको वीक में दो बार करना है या आपको वीक में तीन बार करना है क्योंकि इसके अलावा और भी रेमेडीज हैं जो हम बताते रहते हैं जिनको हमें करना चाहिए ये रेमेडी उनके लिए बहुत बेस्ट वाली है जिनको गड्ढे की प्रॉब्लम है अपने फेस के ऊपर ग्रेजुअली आप उन गड्ढों को भी धीरे धीरे फेड आउट होते देखेंगे आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा जाने से पहले दोबारा से बोलना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छा है ऐसे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर नहीं किया तो कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कमेंट सेक्शन में आकर मुझे आपने कमेंट जरूर लेना है अपना रिव्यू ज़रूर देना है आपने मुझे बताना है कि आपके ऊपर इसका रिज़ल्ट कैसा आया है ताकि और जो लोग आके यहाँ पर लिखें उनको भी आंसर मिल जाए कि कैसा रिजल्ट आता है मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपना पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है अगर हम पॉजिटिव के अपने स्किन के ऊपर अपने आप के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसका हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए बाय